सर, राज्य में हुए ट्रेन हादसे पर दुनिया भर के नेताओं ने शोक जताया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी हादसे को दर्दनाक बताया, तो वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री बोले कि मुश्किल वक्त में हम भारत के साथ हैं। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, अक्षय कुमार ने भी हादसे पर दुख जताते हुए चिरंजीवी ने ब्लड डोनेट करने की अपील भी की, तो वहीं विवेक ने इस एक्सीडेंट को लापरवाही का नतीजा बताया। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। वहां जाकर अस्पताल जाकर पीड़ितों से भी मुलाकात की। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। घायलों से मिलने के लिए कटक के अस्पताल पहुंचे और इस हादसे में मृतकों के परिवारजनों को 12-12 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है प्रधानमंत्री और रेल मंत्रालय की तरफ से। इस हादसे का 3D एनिमेशन का वीडियो आप देख सकते हैं। कुछ यूं हुआ हादसा दोस्तों। ये सबसे पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन एक मालगाड़ी से टकराती है और इस टक्कर की वजह से कोरोमंडल के कुछ डिब्बे ट्रेन के नजदीक वाली दूसरी पटरी पर आ जाते हैं और इस घटना के कुछ देर बाद फिर दूसरी पटरी पर भी एक और ट्रेन आती है, बंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। वो फिर पटरी पर पड़े इन डिब्बों से टकरा जाती है। इसके चलते टोटल 3 ट्रेनें आपस में टकराती हैं और बड़ी भीषण दुर्घटना हुई। बताया जा रहा दोस्तों कि यह सदी की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक बन गई। घटना की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं और अभी तक दोस्तों आंकड़ों के मुताबिक इस दुर्घटना में कुल 288 लोगों की जान जा चुकी है जबकि 900 से ज्यादा घायल हो गए। और बताया जा रहा दोस्तों कि इन ट्रेनों में एंटी कोलिजन सिस्टम नहीं था। अब सवाल ये कि आखिर इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है? इतने परिवार जो तबाह हो गए उनको जवाब कौन देगा? अभी तक अता पता नहीं है। हादसे को कई घंटों बीत चुके हैं लेकिन अभी भी हादसे की एग्जैक्ट वजह कारण का पता नहीं चल पाया। इस हादसे में टोटल 17 डिब्बे पटरी से उतरे और टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। ये कुछ खौफनाक तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो वहीं इस घटना में तमिलनाडु राज्य सरकार ने भी मृतकों का सपोर्ट करने के लिए 5-5 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने। और ओडिशा राज्य में तो देखिए एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया और कल गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन समारोह भी रद्द किया गया, वरना कल इनॉग्रेशन होना था लेकिन इस हादसे की वजह से इस कार्यक्रम को फिलहाल कैंसिल कर दिया। इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों के लिए हमारी तरफ से भी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि और पीड़ित परिवारों को ईश्वर इस मुश्किल घड़ी में हौसला दे, हिम्मत दे खड़ा रहने की हमारी भी यही प्रार्थना है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार ने बड़ा फैसला लिया, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की 14 दवाओं की बिक्री पर बैन लगा दिया। सामान्य इन्फेक्शन, खांसी और बुखार के इलाज में इन दवाओं का यूज होता था। सरकार ने जिन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है ना, उनमें काफी पैरासिटामोल डिस्पर्सिबल टेबलेट, निमेसुलाइड, क्लोरफेनिरामाइन, मेलेट समेत कुल 14 दवाइयां शामिल हैं। एक्सपर्ट कमेटी की सलाह के बाद केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया और इन तरह की दवाओं के निर्माण, बिक्री और सप्लाई पर रोक लगा दी है। वह देखिए, हरियाणा रोहतक की बेटी ने जीता मिस ग्लैम डीवा अवार्ड 2023। मुस्कान ने उत्तर प्रदेश आगरा में आयोजित इस प्रतियोगिता में 200 प्रतियोगियों को पिछाड़कर अवार्ड अपने नाम किया। इनके स्वर्गीय पिता का सपना था जिसको इन्होंने पूरा किया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैनी मैनी कांग्रेट्स हमारी तरफ से भी मुस्कान को। ये हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है। अच्छा, निवेशकों के लिए अपडेट है। 6 जून को ओपन होगा IKIO का लाइटिंग IPO और इसके शेयर्स मार्केट में 16 जून को लिस्टिंग होंगे। ये कंपनी LED लाइटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कुछ और डिटेल्स इस IPO के बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वह देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का बड़ा फैसला, आज पूरे राज्य में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। आबकारी विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। 4 जून को कबीर जयंती के मौके पर शुष्क दिवस घोषित किया गया और इसीलिए छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें आज नहीं खुलेगी है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में आदेश जारी किए हैं। 3 साल से ज्यादा पद पर बैठे अफसरों के तबादले होंगे यानी उनके ट्रांसफर किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा, 31 जुलाई तक डेडलाइन दी गई। वही देखिए खबर, पश्चिम बंगाल में उगाया गया दुनिया का सबसे महंगा आम और ये कितना महंगा इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं आप। 1 किलो की कीमत 2,70,000 रुपए है यानी एक आम लगभग 90,000 रुपए का। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के दुबराजपुर में ये दुनिया का सबसे महंगा आम जिसकी किस्म का नाम है मियां जाकी, इसे उगाया गया है। इस आम की कुछ फोटो भी आप देख सकते हैं, वाकई में बहुत ज्यादा ही महंगा है ये। अच्छा, पहलवानों के मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ 4 गवाह भी आए सामने, जिनमें 2 तो महिला रेसलर हैं, एक कोच और इंटरनेशनल रेफरी ने भी ब्रिजभूषण के खिलाफ गवाही दी। अब खबर है कि 4 मंत्रियों की टीम पहलवानों से बातचीत भी कर सकती है। तो वह देखिए, कुछ पहलवानों ने तो सीधा सीधा आरोप लगाया है कि ब्रिजभूषण ने सीने और पेट पर हाथ फेरा, फिर इस तरह की गंदी डिमांड भी की। एक नाबालिग रेसलर इसके चलते डिप्रेशन में भी आ गई। और वह दोस्तों, रेसलर्स वर्सेस ब्रिजभूषण के मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी दावा किया कि कुछ संगठनों की वजह से फैसला नहीं हुआ, मामला सुलझाने के लिए खाप पंचायतें आगे आए। और इस विवाद में IAS खेमका की भी एंट्री हो चुकी है। पहलवानों को सच्चा नायक बताया, बोले महिलाओं की गरिमा का संघर्ष मिल का पत्थर साबित होगा है ना। और मैं देखिए, एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही दोस्तों। चीन एक बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। स्पेस के बाद चीन अब पृथ्वी के अंदर पहुंचना चाहता है गहराई में, और इसके लिए पृथ्वी के क्रस्ट तक यानी कि पृथ्वी के बाहरी खोल की गहराई तक पहुंचने के लिए चीन धरती पर 32,808 फीट की खुदाई का गहरा गड्ढा बना रहा है। साइंटिस्ट बोले कि ये काम उतना ही मुश्किल है जितना कि तार पर ट्रक चलाने जितना। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा चीन। खबर है कि अगले 457 दिन में ये प्रयोग पूरा हो सकता है। इतनी गहरी ड्रिलिंग की जाएगी धरती के अंदर है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, ब्रिटेन ने भी माना कि जबरन ले गए थे कोहिनूर। कोहिनूर हीरे को लेकर रॉयल फैमिली की प्रदर्शनी में लिखा गया, महाराजा दिलीप सिंह को हीरा देने के लिए मजबूर किया था। और हाल ही में तो आपको पता होगा, खबरें आई थी कि मोदी सरकार भारत से अंग्रेजों द्वारा ले गई विदेशी
विदेशी चीजों को वापस भारत लाने की पहल भी कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही भारत का कोहिनूर हीरा भी वापस भारत आएगा। अच्छा, इनकम टैक्स को लेकर अपडेट आ रहा है कि औसतन इस साल 16 दिन में इनकम टैक्स का रिफंड मिल रहा है। आपको अभी तक अगर अपना रिफंड नहीं मिला तो ऑनलाइन आप स्टेटस चेक कर सकते हैं इस पोर्टल के जरिए, है ना। वही देखिए बड़ी खबर, दिल्ली के पुराना किला में महाभारत काल के सबूत मिले, स्लेटी रंग के मिट्टी के बर्तन भी मिले, खुदाई में भगवान विष्णु और गणेश की मूर्तियां भी निकली। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की खुदाई में दिल्ली के पुराना किला से ये महाभारत काल से जुड़े सबूत मिले हैं, है ना। और मैं देखिए दिल्ली सरकार का नया प्लान, मेट्रो स्टेशन के नाम के आगे अब कंपनियों के ब्रांड का नाम लिखा जा सकेगा, ट्रेन में भी उस ब्रांड की घोषणा होगी। डीएमआरसी की बैठक में ये फैसला लिया गया। दरअसल दिल्ली मेट्रो अपनी कमाई बढ़ाने के लिए ये नया प्लान बनाना, अब दिल्ली मेट्रो के स्टेशन के सामने एडवर्टाइजमेंट किए जाएंगे ब्रांड्स के, जैसे मतलब होता है ना टाटा आईपीएल वगैरह, इस तरह से मेट्रो स्टेशन पर भी किसी फिल्म ब्रांड सरकार या कंपनी का विज्ञापन छपा रहेगा। और वह देखिए रेलवे से एक और अच्छी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के भोपाल से कई सारी मेमू ट्रेनें की शुरुआत होगी, जिससे कि आसपास के हजारों यात्रियों की परेशानी कम होगी। अच्छा दोस्तों, इस साल के अमरनाथ यात्रा की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं अमरनाथ गुफा में पूजा के साथ यात्रा की रस्मी शुरुआत हुई, इस साल की पहली पूजा भी की गई, LG वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए हैं। वैसे आपको बता दूं अगले महीने 1 जुलाई से 31 अगस्त तक इस साल की अमरनाथ यात्रा शुरू होगी और आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आप पंजीकरण करा सकते हैं, है ना। और मैं देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह दिखेगा मनसा देवी मंदिर, हरियाणा के पंचकुला के मां मनसा देवी मंदिर को भी इसी तरह से डेवलप किया जाएगा। इसका खाका भी तैयार हो चुका है, इसमें 108 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति भी बनाई जाएगी। अच्छा, राजस्थान हाई कोर्ट में आज से सुनवाई बंद कर दी गई है, रूटीन सुनवाई अब नहीं होगी। 5 जून से गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी है और इसीलिए केवल जरूरी मामलों की ही सुनवाई होगी। 2 जुलाई तक राजस्थान हाई कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां रहेगी। वैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल बाड़मेर दौरे पर थे, इस दौरान उनके साथ एक वाकया हो गया। वो भाषण दे रहे थे ना, तभी अचानक से माइक चलता चलता बंद हो गया, तो गुस्से में आकर उन्होंने माइक भी फेंक दिया। महिलाओं से बातचीत के दौरान ये बंद हुआ था, अफसरों से पूछा कि आखिर कौन हो तुम। देखिए मतलब नेताजी गुस्से में आ गए, है ना। और मैं देखिए योगी सरकार की नई पहल, यूपी के हर जिले से राजधानी दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 नई बसों को रवाना किया, हालांकि इनमें आपको 10% किराया ज्यादा देना पड़ेगा और ये बसें स्टॉपेज भी कम लेगी, यानी कि अब आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से दिल्ली आसानी से पहुंच पाओगे। उत्तर प्रदेश बस सेवा स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर योगी सरकार की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है। और इतना ही नहीं, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद लखनऊ में भी 231 लाउड स्पीकर को नीचे उतारा गया और 728 स्पीकरों की आवाज भी कम कराई गई। अभी यूपी पुलिस गली गली में घूमकर नियम तोड़ने वालों पर कार्यवाही कर रही है। किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर न लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं योगी सरकार ने। अच्छा, छत्तीसगढ़ में देखिए राज्य सरकार के कर्मचारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की डेडलाइन 31 जुलाई तय कर रखी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पत्र, कहा 3 साल से एक ही जगह पोस्टेड अफसरों को हटाया जाएगा। छत्तीसगढ़, राजस्थान वगैरह सभी जिन भी राज्यों में मतलब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं ना, उनमें यह आदेश जारी हुआ है। वही देखिए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने साइकिल चलाई कल ही, जो वर्ल्ड साइकिल डे था। इस मौके पर उन्होंने रैली निकाली और वो बोले कि 50 से 70 किलोमीटर दूर तक भी वो साइकिल से जाते थे। अच्छा, पंजाब में देखिए कच्चे कर्मचारियों ने अनोखा प्रोटेस्ट किया। 6 जून को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलकर जंत्री देंगे। वो बोले कि वह खुद उन्हें पक्का करने का मुहूर्त निकाले, मतलब जो संविदा पर काम करने वाले कर्मचारी है ना, इनकी मांग है कि इनको भी रेगुलर किया जाए और इसीलिए ये पंजाब सरकार का विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। वही देखिए बड़ी खबर, झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड गठित हुआ, हजारीबाग के जयशंकर पाठक इसके अध्यक्ष बनाए गए। आवास बोर्ड की जिम्मेदारी पतरातू के संजय पासवान को दी गई। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में भी डॉक्टरों की हड़ताल अब स्थगित हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्कू के साथ डॉक्टर्स ने मीटिंग की और उसमें ये निर्णय लिया गया। हाल ही में आपको बताऊंगा, हिमाचल प्रदेश में नई भर्तियों के वक्त NPA को बंद करने का आदेश जारी किया था ना, तो उसके बाद से डॉक्टर्स नाराज हो गए और इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार का विरोध कर रहे थे। वैसे हिमाचल शिमला में रेसलर्स के समर्थन में यूथ कांग्रेस आई, मोदी सरकार का पुतला भी जलाया और ब्रजभूषण की गिरफ्तारी न होने पर दिल्ली कूच की चेतावनी भी दी। और हिमाचल के मुख्यमंत्री CM सुक्कू बोले कि विजिलेंस जांच के दायरे में नहीं आने वाली भर्ती परीक्षाओं के परिणाम भी शीघ्र घोषित किए जाएंगे। युवाओं के लिए ये बहुत ही अच्छा ऐलान किया गया। अच्छा, हरियाणा के मनोहर लाल सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया, 3 मीटर से ज्यादा चौड़ी गलियों वाली सभी कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। जो कॉलोनियां काफी समय से अवैध रूप से बसी हुई है उनको भी वैध कर दिया जाएगा। इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रत्येक नगर परिषद और नगर निगम कार्यालय को आदेश भी जारी किया है। अच्छा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले 2030 तक राजस्थान बनेगा देश का सिरमौर। 2210 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया राजस्थान के सांचौर में और इसी वक्त उन्होंने ये बड़ी बातें भी कही। वैसे राजस्थान में देखिए अब प्लास्टिक कोटेड कप पर भी बैन लगाया जाएगा। हाईकोर्ट ने माना कि सिंगल यूज प्लास्टिक के अंदर ही आएंगे ये प्लास्टिक वाले चाय के कप भी, और राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से भी इस मुद्दे को लेकर नाराजगी जताई। अच्छा भाई दोस्तों, मणिपुर राज्य में एक बार फिर से हिंसा देखी गई। कुकी समुदाय के हमले में 15 लोग घायल हो गए। वेस्ट इम्फाल के 2 गांवों पर रात में ये हमला किया गया। विष्णुपुर जिले में भी फिर से हिंसा हुई, तो मामला काफी पेचीदा होता जा रहा है अभी भी। अच्छा, खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। और मौसम से पहले आपसे एक छोटू में आंधी आई बारिश आई। देखिए जयपुर और जोधपुर में ओले भी गिरे। 11 जिलों में अभी भी मौसम विभाग का अलर्ट है। 6 जून के बाद गर्मी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में भी भोपाल इंदौर में तेज बारिश, ओले गिरे।
मंदसौर विदिशा रायसेन वगैरह में भी पानी हुआ। अगले दो तीन दिन ऐसा ही रहेगा मौसम और बिहार के 11 जिलों में हीट वेव का अलर्ट यानी कि लू चलेगी। तो हिमाचल प्रदेश में भी अब बारिश से राहत मिलेगी मौसम विभाग का कहना है। और वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो नौतपा के चलते गर्मी पड़ेगी लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के भी आसार है। यूपी के 12 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह केरल लक्षद्वीप में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है तो वहीं उत्तर पूर्व राजस्थान में धूल भरी आंधियां चल सकती है। आंतरिक तमिलनाडु पूर्वोत्तर भारत और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना है। पश्चिमी हिमालय गंगे पश्चिम बंगाल तटीय उड़ीसा तटीय कर्नाटक दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी एक दो जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। है ना। और मैं दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप सोने के भाव में गिरावट हुई और चांदी में उछाल देखा गया। सोना 200 रुपए सस्ता हुआ और अभी सोने का रेट 62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है तो वही चांदी 800 रुपए महंगी होकर 74,400 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। कोरोना आंकड़ों की बात करें तो देखिए सक्रिय मामलों की संख्या अभी भारत में 3500 रह गई है। राहत की बात है धीरे धीरे रोजाना मामलों में गिरावट आ रही है। चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए आवेदन जारी। कैंडिडेट्स 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। 276 पदों पर होगी भर्ती। सरकारी नौकरी को लेकर और एक अपडेट है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक्साइज कांस्टेबल के 583 पदों पर वैकेंसी निकाली। 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। और 18 साल के युवाओं के लिए आरबीआई में भी नौकरी निकली हुई है। ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो फिर काफी ज्यादा वैकेंसीज अवेलेबल है। देखिए आप आरबीआई में ग्रेड बी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है जिनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वहीं 10वीं पास के लिए रेलवे में भी नौकरी करने का मौका है। दरअसल साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 10वीं पास के लिए वैकेंसीज निकली हुई है। 548 पदों पर जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा तो वहीं हरियाणा के कॉलेजों में एडमिशन शेड्यूल को स्थगित कर दिया। जल्द ही शिक्षा विभाग नई डेट जारी करेगा। पहले 5 जून से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने थे लेकिन फिलहाल इसको पोस्टपोन कर दिया है। तो वहीं सीयूईटी पीजी एग्जाम के एडमिशन कार्ड भी जारी हो चुके हैं। 5 से 12 जून तक होंगे एग्जाम। अच्छा चंडीगढ़ में देखिए पुलिस कांस्टेबल की भर्ती शुरू हुई। 700 पदों पर 12वीं पास युवा अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे 22 जून लास्ट डेट है, उससे पहले पहले अप्लाई करना है। चलिए एजुकेशन के बाद अब देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए टेक्नोलॉजी से अपडेट है दोस्तों। जून में लॉन्च होंगे शानदार फीचर वाले 6 स्मार्टफोन जिसमें रियलमी का एक फोन होगा जिसमें 200 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा, 6000mAh बैटरी। इसकी कीमत 21,999 से शुरू। वहीं हीरो नई एचएफ डिलक्स ब्लैक कैनवास एडिशन भी लॉन्च हो चुकी है। इसमें भी कई नए कलर ऑप्शन और फीचर्स मिलेंगे। अच्छा देखिए कल गुजरात में एक 2.5 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई। 200 फीट गहरा बोरवेल 20 फीट नीचे फंसी बच्ची कैमरे में हाथ हिलते दिखे। इसका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। गुजरात के जामनगर जिले की घटना है। वही देखिए हिमाचल घूमने जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। राजधानी दिल्ली से हिमाचल धर्मशाला के लिए एक और फ्लाइट सेवा शुरू हो चुकी है। स्पाइस जेट का पर्यटन सीजन को लेकर यह फैसला लिया गया। अच्छा वही देखिए हरियाणा केयू की आर्चरी रिकर्व मिक्स टीम ने खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल जीता। जीजेयू से फाइनल मुकाबला हुआ। तो वही क्रिकेटर शुभमन गिल बने स्पाइडरमैन की आवाज। उन्होंने अपनी आवाज में डब किया स्पाइडरमैन को। मतलब वो बोले कि मेरे ऊपर बेस्ट देने का प्रेशर था और इसीलिए अलग अलग वॉइस में डब करता था। अच्छा ओटीटी के बाद अब थिएटर्स में रिलीज हुई सिर्फ एक बंदा फिल्म और ऐसा करने वाली ये पहली फिल्म बन चुकी है जो पहले तो ओटीटी पर रिलीज हुई उसके बाद थिएटर्स में रिलीज हुई। मनोज वाजपेयी बोले कि लोगों की डिमांड को पूरा किया। इससे पहले 23 मई को ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है। वही देखिए दोस्तों कोरोना काल के दौरान लोगों के मसीहा बने सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो एक मजदूर के साथ बैठकर ईंट बना रहे हैं और मजदूर से पूछा कि कितनी रेटिंग दोगे तो उन्हें 10 में से 10 अंक मिले। वाकई में सोनू सूद की जिंदगी की सरलता सराहनीय है। अच्छा मध्य प्रदेश में देखिए बागेश्वर धाम में अब दोपहिया वाहनों को फ्री में पार्किंग मिलेगी। अन्य वाहनों को शुल्क देना होगा। 8.5 लाख में ठेका तय हुआ। मध्य प्रदेश छतरपुर की राजनगर जनपद अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गढ़ा में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम पर अब तक वाहनों को कोई शुल्क नहीं देना होता था लेकिन अब 4-व्हीलर के लिए शुल्क देना पड़ेगा। वहीं राजस्थान ये हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले कि भांचा राम सबके हैं। अच्छा खबर।